नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन CBD 2 रिजल्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों हेडिंग में लिखा हुआ है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन CBD 2 रिजल्ट 2018-19 2 रिजल्ट रिलीज सून। जी हाँ दोस्तों, चेक लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब रिजल्ट आपका आने वाला है ये मान के चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप वेट कर रहे हो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन CBD 2 के रिजल्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से एंड तक देखिए दोस्तों, इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कब तक आपका रिजल्ट मतलब डिक्लेयर हो सकता है। ये ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ऑफिशियल, यहाँ पे ये जागरण जोश वालों की, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ देख सकते हो डेट वाइज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन CBD 2 रिजल्ट 2019 डेट एंड ऑफिशियल अपडेट स्टेटस। यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने मतलब अगर मैं बात करूँ रिलीज करने वाली है, मतलब सून, बहुत ही जल्दी ये एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन दिस मंथ। मतलब कि ये मान के चलिए, जो साफ लिखा हुआ है आपका एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन दिस मंथ, तो ये मान के चलिए दोस्तों अभी 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका ऑफिशियल सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग अलग, जिस जोन से आपने अप्लाई किया है उस जोन पे अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये मान के चलिए इस महीने के लास्ट वीक में आपका ये मान के चलिए कन्फर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, अर्लियर द रिजल्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, बट देर इज नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन। ओके, मान लिया दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन येट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी आप ये मतलब ये मान सकते हो कि मीडिया रिपोर्ट्स दोस्तों यहाँ पे ये मान के चलिए पूरी फेक नहीं होती, 80% सच्चाई होती है। तो कहीं ना कहीं फरवरी की एंडिंग में आपका रिजल्ट कन्फर्म आ जाएगा, जैसा कि ग्रुप डी में देखा गया था। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन 5-10 दिन डिले हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो फरवरी एंड तक तो कंफर्म आ ही जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मतलब अगर मैं डिटेल में बताऊं, 21 से 23 के आसपास मतलब यहाँ पे यहाँ पे 3 दिन आपका एग्जाम चले थे 21, 22, 23 को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ, ये मान के चलिए इतना हाई कट ऑफ इस बार रहेगा नहीं। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, ये मान के चलिए PCM ALP वाले, सॉरी यहाँ पे मतलब PCM वालों का बात करूँ, हाई रहेगा, कंफर्म है। प्रीवियस ईयर का अपन ने देखा था कट ऑफ क्या गया था, उससे पहले का भी देखा था ऑफिशियल, यहाँ पे अलग अलग जोन वाइज भी अपन ने कट ऑफ देखा। तो कहीं ना कहीं मतलब 65 से 70 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइज होने के बाद में। अगर बात करूँ यहाँ पे ALP की दोस्तों, ALP में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं जाएगा, आप ये मान के चलिए निश्चित रहिए 50 नंबर के आसपास अगर आपके बनते हैं सुपर सेफ हो आप, साइको के लिए कॉल आएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए आप। वहीं अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेक्नीशियन वालों की, थोड़ा सा हाई रहेगा ALP CBD 2 रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, अब उनमें जो प्रोसेस होना था हो गया है, अभी कोई एग्जाम होना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको 50 के आसपास नंबर सिक्योर करने पड़ेंगे टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों यही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। अगर आपका रिजल्ट मतलब ये मान के चलिए ऑफिशियल जो भी रिजल्ट आएगा वो अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन जब भी आता है ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हो, सारी की सारी अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, सारी की सारी वेबसाइट ऑफिशियल आप है ये नोट कर लीजिए एक बार, और यहाँ पे ही ऑफिशियल यहाँ पे आएगा आपका जो रिजल्ट आएगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगी जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मतलब फिल करना है उसमें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपको डिटेल में मिलती रहे समय समय पर। धन्यवाद दोस्तों।